माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। एसएससी के मॉक टेस्ट में आज हम लोग मॉक 9 करने जा रहे हैं। 8 मॉक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बीच मॉक भेजने में थोड़ा देर हो गई, इस हफ्ते में लेट है, कोई बात नहीं है। हम लोग 8 कर चुके हैं, 9 आज करने जा रहे हैं। हर हफ्ते एक एक करते हैं, जैसे ही थोड़ी लैंग्वेज वगैरह से फुर्सत मिलेगी और जल्दी जल्दी मॉक्स मिलने लगेंगे आपको। तो पीडीएफ आप लोगों ने आई थिंक कर लिया होगा, मैंने पीडीएफ पहले ही भेज दिया था। और नहीं किया हो तो इस वीडियो के साथ अटैच्ड है, लिंक अटैच कर दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। पहले पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको करिए और हमें बताइए कि ये टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन हम लोग। और ये पहला क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है? एरर से रिलेटेड है। तो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन एरर का है। दोनों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहे होंगे। लो, अब और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द न्यूज ऑफ द डिस्टर्बेंस वाज ब्रॉडकास्टेड द सेम इवनिंग। तो डिस्टर्बेंसेज की जो न्यूज थी उसी शाम को ब्रॉडकास्ट कर दी गई। तो इसमें गलत क्या है? गलत है इसमें ब्रॉडकास्टेड। मैंने वर्ब फॉर्म का एक वीडियो डाला है, जिन लोगों ने देखा हो वो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो ऊपर देखो, मैं लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। वर्ब फॉर्म का लिंक मैं इसके साथ ही दे रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर देखो आई बटन में भी दिखाई दे रहा होगा, चाहो तो अभी देख लो। तो वर्ब फॉर्म में मैंने ये चीज़ बताई थी कि कौन कौन सी वर्ब हैं जिनको तीनों फॉर्म एक ही जैसी रहती है, किसी किसी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। तो कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड हैं उसी में ये ब्रॉडकास्टेड भी था, जो कॉम्प्लिकेटेड हैं उनको मैंने वहाँ पर दे रखा है। तो जिनको कन्फ्यूजन हो या जिनको कन्फर्म करना हो देख लीजिए वहाँ से। तो ये जो ब्रॉडकास्टेड है, एक्चुअली ये ब्रॉडकास्टेड नहीं होता। अब ऐसे ही शॉर्ट में समझ लीजिए कि जितनी भी वर्ब के लास्ट में कास्ट लगा होता है, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट, ऐसे, तो उसमें कभी भी ईडी नहीं लगता। ये तीनों फॉर्म में एक जैसे होते हैं, ईडी नहीं लगता तीनों फॉर्म में। कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, या टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, या फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, इसमें ईडी ना लगाना किसी कीमत पर। तो यही हो गया गलत, आपका ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, वाज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो अगला है, एवरीवन विजिटिंग द हाउस आस्क्ड द यंग गर्ल हाउ कुड सी किल द उल्फ सिंगल हैंडेड एंड विदाउट अ वेपन, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है? देखो, ये एम्बेडेड क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मामला है। आप इनडायरेक्ट नरेशन पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। जब हम किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसका क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है ना। और जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं, तो इंटरोगेटिव को जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पहले सब्जेक्ट होगा, नहीं पहले क्या होती है, पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद वर्ब होता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट में बदलने रहते हैं तो क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर रहता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाद में चली जाती है, ठीक। इनडायरेक्ट बदलते समय ये ध्यान रखना कि जब कनेक्टेड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब किसी में आप जोड़ करके लिखते हो, रिपोर्टिंग मेन क्लास में जोड़ के आप लिखोगे, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं रहेगी, क्योंकि इन इनडायरेक्ट, ठीक, इन इनडायरेक्ट नरेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस डज नॉट रिमेन इंटरोगेटिव, इट चेंजेज इंटू असर्टिव सेंटेंस एंड हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ जो लिखा हुआ है, देखो, एवरीवन विजिटिंग आस्क्ड द यंग गर्ल, ये इनडायरेक्ट हो गया। हाउ हाउ अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये जो कुड और सी लिखा है ये हो जाएगा सी पहले और कुड बाद में। हाउ कुड सी किल द वुल्फ नहीं होगा, हाउ सी कुड किल द वुल्फ होगा, ठीक है। तो ये कुड जो है वो सी के बाद होना चाहिए और गलत किस में हो गया, बी में आपका आंसर हो गया बी। समझना ज़्यादा ज़रूरी था, ये ऊपर वाले में भी आंसर बी ही था। इत्तफाक की बात है कि पहले और दूसरे दोनों में आंसर बी है, हालांकि आपको ऑप्शन से मतलब नहीं है, बी है सी है, आपको रूल पता होना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 किस पर है? ये इम्प्रूवमेंट दिया हुआ, देखो अंडरलाइन पार्ट को आप इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है। तो यहाँ देखते हैं आखिर क्या गलती है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो देखा जाएगा, नहीं तो कोई दूसरी बात होगी तो वो देखा जाएगा। वेयर द डिस्टेंस इज नॉट टू मच, जब दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो आई प्रिफर वॉकिंग देन वेटिंग फॉर अ बस, तो मैं पैदल चल लेता हूँ, मैं बस का इंतज़ार नहीं करता। अगर दूरी कम हो तो मैं पैदल चला जाता हूँ, बस का इंतज़ार नहीं करता, ऐसा इन्होंने कहा।
तो इसमें जो ग्रामेटिकल पॉइंट जितने हैं वो मैं पहले प्रिफर कर देता हूँ। फिर वही वर्ब की फॉर्म वाली बात आ गई। यहाँ प्रिफर है, प्रिफर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम लोग हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जेरंड यूज करते हैं, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ये बात तय हो गई। तो ये प्रिफर है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। लेकिन एक बात और है कि प्रिफर के साथ हम लोग दैन नहीं यूज करते हैं। प्रिफर के साथ जो हम लोग दैन यूज करते हैं ये दैन नहीं होता। ये क्या होगा इसकी जगह पर, इसकी जगह पर लगता है टू, और अगर वर्ब को कंपेयर कर रहे हो तो रैदर दैन यूज कर सकते हो। ठीक, यू कैन नॉट यूज दैन बट यू कैन यूज रैदर दैन। ठीक है, तो प्रिफर के साथ रैदर दैन लगा सकते हो, और एक शर्त है रैदर दैन लगाने की, यू कैन यूज रैदर दैन इफ यू आर यूजिंग वर्ब, इफ यू आर कंपेयरिंग वर्ब। ठीक है, इफ़ यू आर कंपेयरिंग एनी अदर, जैसे टी या कॉफ़ी, अगर कंपेयर कर रहे हो चाय कॉफ़ी में तो टू लगाना पड़ेगा। वर्ब में कंपेयर करोगे तो रैदर दैन लगा सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज दैन। ठीक है, केवल दैन नहीं लगेगा, तो ये दैन गलत है। इसकी जगह पर या तो टू लगा होता या तो फिर रैदर दैन लगा होता। क्लियर हो गई बात। चलो तो क्या लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है कि आई प्रिफर वॉकिंग अब दैन वेटिंग फॉर अ बस, तो इसकी जगह क्या लगाओगे, रैदर दैन वेटिंग फॉर अ बस। ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ रैदर दैन यूज किया गया है। देखो यहाँ टू भी लगा हुआ है, प्रिफर के साथ टू लगता है, लेकिन मैंने कहा था ना कि टी कॉफ़ी चाय वाय ये सब होता तो लगा देते, अगर वर्ब होती है तो इन केस ऑफ वर्ब वी प्रिफर रैदर दैन, टू की अपेक्षा हम रैदर दैन को ज़्यादा प्रिफर करते हैं। इसलिए आपका आंसर यहाँ क्या होना चाहिए, ए होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है। बीइंग अ प्लेजेंट मॉर्निंग ही वेंट आउट फॉर अ वॉक अलॉन्ग द सी शोर, सुबह बहुत सुहावनी थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी थी, ना गर्मी थी ना ठंडी थी, ताजी ताजी हवा चल रही थी। प्लेजेंट मॉर्निंग मतलब बड़ी ही सुहावनी सुबह थी। तो हम लोग समुद्र के किनारे टहलते रहे। ठीक है, तो टहलने चले गए। अब बताओ ये कि क्या दोनों पार्ट्स में सब्जेक्ट सेम है। अगर आप यहाँ पे जेरंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो यही ही इसका भी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। अगर दोनों सब्जेक्ट कॉमन हो सकते हो तो यू कैन स्टार्ट विद बीइंग, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ही वेंट आउट फॉर, अब ये घूमने टहलने के लिए ही लोग जा रहे हैं। अब बीइंग के पहले ही लगा के ज़रा चेक कर लो, ही बीइंग अ प्लेजेंट मॉर्निंग, क्या ही प्लेजेंट मॉर्निंग था, नहीं। ये मौसम है, प्लेजेंट मॉर्निंग क्या बता रहा है, मौसम है। और मौसम बताने का सब्जेक्ट क्या होता है, मौसम का सब्जेक्ट होता है इट वाज अ प्लेजेंट मॉर्निंग, इट वाज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। इसका जो सब्जेक्ट रहा होगा एक्चुअली वो क्या रहा होगा, इसका सब्जेक्ट रहा होगा इट। ठीक, इट रहा होगा। तो यहाँ पर इट और यही दोनों सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग हैं। If subjects of both sentences are separate, अगर दोनों sentence के subject अलग अलग हैं तो you cannot remove subject from any, तो आप किसी से subject को remove नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ it लगाना पड़ेगा being के पहले। तो ये देखो being के पहले इसी में it लगा हुआ है, तो ये आपका option कौन सा होगा, B। ठीक है, फिर एक बार क्लियर कर लो, समझा देता हूँ। ये जो पहला वाला पार्ट है ये मौसम के बारे में बता रहा है, और ये वाला इन लोगों के ही लोगों के काम के बारे में बता रहा है। दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं, ये ही जो है इसका सब्जेक्ट कॉमन हो नहीं सकता, इसलिए हमें पहले वाले पार्ट के लिए अलग से सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और वो होगा इट। ठीक है, इट बीइंग अ प्लेजेंट मॉर्निंग हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ इडियम्स दिए हुए हैं, उन इडियम्स की मीनिंग आपको बतानी है। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड का मतलब क्या होता है, प्रोबेबल, पॉसिबल, संभावित, इज लाइकली, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है टू बी लाइकली, टू बी लाइकली का मतलब क्या हुआ, संभावना है कि ऐसा हो जाए, तो लाइकली का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबली हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, सी रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ मैरिज। ठीक, कोई लड़की है, उसको शादी का प्रपोजल आया, उसने मना कर दिया। मना कैसे किया, पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या हुआ, एकदम मुंह पे, तुरंत का तुरंत किसी ने प्रपोज किया होगा, विल यू मैरी मी, उसने सीधे बोला नहीं, एक झटके में नहीं। मतलब ये नहीं कि कल बताएंगे परसों बताएंगे, कल परसों का कोई चक्कर नहीं है, विल यू मैरी मी, सीधे बोला नो।
ठीक, तो ये होता है पॉइंट ब्लैंक मना करना, तो ये हो गया डायरेक्टली। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, पॉइंट ब्लैंक मतलब डायरेक्टली, सीधे मुंह पे। अच्छा आ जाओ भैया, तकलीफ ना उठाओ, दर्द हो रहा होगा, ठीक है, दर्द से दूर हो, पानी पियो ठंडा एक गिलास और पढ़ना शुरू कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है, पैसेज को रीड करो, सेंटेंस को रीअरेंज करो, पी क्यू आर एस वाला मामला है, आ जाओ शुरू करते हैं। पी क्यू आर एस का अरेंजमेंट थोड़ा बड़ा है बट इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे इसमें बड़ी आसानी से। ठीक है आ जाओ, इसमें कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पेरिशेबल फूड, ध्यान रखना पेरिशेबल फूड का मतलब जो जल्दी से ख़राब हो जाता है, आर शिप्ड बाय रेफ्रिजरेटर शिप्स, जब उनको बाहर भेजा जाता है, जैसे केला हो गया, आम हो गया, इस तरह की चीज़ें जब बाहर भेजी जाती हैं विदेशों में, तो उनको रेफ्रिजरेटेड शिप से भेजी जाती है, मतलब जिसमें पूरा एसी होता है, मतलब ठंडा रहता है, कूल रहता है। आगे लिखा है कि दे आर प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटेड होल्ड ऑफ शिप, तो रेफ्रिजरेटर शिप को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कहा, यहाँ देखो रेफ्रिजरेटर शिप कहा, इन्होंने कहा रेफ्रिजरेटेड होल्ड ऑफ द शिप, तो दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही हैं, तो यहाँ मतलब हो गया कि हमें वन के बाद पी ही लगाना है, ये बात करीब 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 तय है। ठीक, उसके बाद लिखा है कि सम फूड्स सच एज बनानाज, कुछ फूड जैसे कि बनाना, अब यहाँ लिखा हुआ पेरिशेबल फूड, पेरिशेबल फूड को लिंक कर रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया सच एज बनाना, तो एक उदाहरण के तौर पर लिया इन्होंने, तो पी के बाद आई थिंक कि क्यों ही लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेरिशेबल की फूड की जा रही है, बात की जा रही है, दो चीज़ें आई हैं ना, वन में पेरिशेबल फूड आया है और रेफ्रिजरेटर शिप आया है, तो हमें रेफ्रिजरेटर शिप को एक्सप्लेन करने के लिए पी वाला मिल गया और पेरिशेबल फूड का एग्जाम्पल के रूप में क्यू वाला मिल गया। अब इन्होंने कहा कि ये जो बनाना होता है, जैसे कि बनाना, जैसे एग्जाम्पल में जैसे बनाना आर शिप्ड बिफोर दे अराइव, तो उनको पकने के पहले ही शिप कर दिया जाता है, उनको पकने के पहले ही भेज दिया जाता है। ठीक है, अब क्यों पकने के पहले भेज दिया जाता है, ये बात शायद समझाएंगे आगे। आर में लिखा है एज, एज मतलब क्या हुआ, क्योंकि, क्योंकि द ग्रीन बनानाज आर लोडेड, मैन वॉचेज क्लोजली द साइन ऑफ येलो ऑन देम, जब ग्रीन बनाना लोड किया जाता है, जब हरा हरा केला लोड किया जाता है, तो लोग वहाँ पर वॉच करते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं कि उसमें कहीं कोई कोई भी पीला निशान तो नहीं है, क्योंकि अगर एक भी केले में जरा सा भी पीला निशान होगा तो बहुत जल्दी पक जाएगा, और बहुत जल्दी पक जाएगा तो पूरा, जितना एक केला पका तो पूरा का पूरा केला, सारे केले पक जाएंगे, देख देख के पक जाते हैं। ठीक है, एस में लिखा है कि द कूल टेम्परेचर कीप द बनाना फ्रॉम गेटिंग राइप ड्यूरिंग द ट्रिप, ठीक है, जो कूल टेम्परेचर होता है वो बनाना को पकने से बचाता है, रोकता है। आगे लिखा है राइप बनानाज आर पुअर ट्रेवलर, क्यों, क्योंकि जो राइप बनाना होता है ना वो पुअर ट्रेवलर होता है, मतलब क्या हुआ कि अगर पका केला है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और दूसरों को भी पका देगा। वन राइप बनाना एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, यात्रा की शुरुआत में एक भी पका केला अगर उसमें है तो कैन स्पॉयल होल कार लोड ऑफ द फ्रूट, पूरा का पूरा जितना लोड है सबको बर्बाद कर देगा, पूरा का पूरा पक जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ सीक्वेंस में ही लगा ही हुआ है, इसमें सीक्वेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ रेफ्रिजरेटर शिप कहा तो रेफ्रिजरेटर शिप को एक्सप्लेन करने के लिए वही लगा दिया, फिर यहाँ पेरिशेबल फूड की बात आई थी तो बनाना की स्टार्टिंग हुई तो लगातार बनाना वाले सेंटेंस हो गए ना, ये बनाना और ये बनाना, तीनों सेंटेंस बनाना के होंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आखिरी वाला सेंटेंस भी बनाना से रिलेटेड है, तो इसके बाद पी वाले रेफ्रिजरेटेड होल्ड के बाद जितने भी सेंटेंस हैं सब में बनाना लिखा हुआ है, मतलब ये क्यू आर एस ये तो सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब इसमें कनेक्टेड होने में जैसे जिसमें यहाँ सच एज लिखा है, सच एज एग्जाम्पल शुरुआत है, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, मतलब पी के बाद क्यू लगाना भी तय है, करीब तय है क्या, मतलब वही होगा पी के बाद क्यू लगेगा, एक ऑप्शन भी ये पी क्यू मिल रहा है शुरुआत में और किसी में शुरुआत में पी क्यू मिला नहीं, तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम सोचो पी वाला कहीं बीच में डाल दें तो ये पॉसिबल नहीं है, सारे सेंटेंस में बनाना लगा हुआ है, सिक्स में भी बनाना लगा, इसमें भी बनाना, इसमें भी बनाना, इसमें बनाना, तो इनके बीच में कहीं पी वाला सेंटेंस घुस नहीं सकता, वो शुरू शुरू में ही लग जाएगा, उसको अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पी सिप के बारे में था, सिप की विशेषता थी, उसके बाद
पेरिसेबल फूड की विशेषता है, जिसमें से एक एग्जांपल लिया गया बनाना, कंटिन्यू कर दिया जाएगा, पी के बाद क्यू लगेगा, क्यू के बाद सारे बनाना वाले सेंटेंस लग जाएंगे, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन मिल रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्यों हुआ ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है स्ट्रक्चर, मतलब छोटे 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 गांव मिलकर तहसील बनाते हैं, और तहसीलें मिलकर स्टेट बनाती हैं, स्टेट्स मिलकर देश बनाते हैं, और स्टेट के साथ यूनियन टेरिटरीज भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज किसके पैरेलल होगा, अगर यूनियन टेरिटरी गांव के पैरेलल हो तो गांव के बगल में लगा दो, अगर यूनियन टेरिटरी तहसील या तालुका के पैरेलल हो तो उसके बगल में लगा दो, अगर यूनियन टेरिटरी स्टेट के पैरेलल हो तो स्टेट के बगल में लगा दो, जिसके साथ में यूनियन टेरिटरी लग सकती हो, जिसका जोड़ीदार हो लगा देना। ठीक है, तो कहाँ है यूनियन टेरिटरी, ये क्यू वाला सेंटेंस। ठीक है, एंड आर आल्सो सम एरियाज इन आवर कंट्री कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज टाइप की भी कुछ हमारे देश में एरियाज होती हैं, तो यूनियन टेरिटरीज आप किसके साथ लगा सकते हो बताना हमें, विलेज या टाउन के साथ, या तहसील तालुका के साथ, या फिर स्टेट के साथ, तो स्टेट के साथ ही लगा पाओगे, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब हुआ कि आर के साथ हमें क्यू लगाना है। ठीक है, आर के साथ क्यू लगाना है, ये बात तय हो गई। ठीक, एक बात ये हो गई, तो आर के बाद क्यू होगा, और एक पेयर आपको पक्का लगाना पड़ेगा, कौन सा होगा, देखो इतने के बाद देख रहा हूँ कि ये जो विलेज एंड टाउन है, शुरुआत में विलेज एंड टाउन से मिलकर के क्या बनता है, तहसील और तालुका बनता है, तो वन के बाद क्या लगेगा, वन प्लस पी लगेगा, ये बात पक्का है। तहसील तालुका बनेगा, तहसील तालुका के बाद क्या बनेगा बताओ, तहसील ये हो गया ना, ये तहसील तालुका हो गया, यहाँ दिया मेनी तहसील से तालुका डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अ स्टेट, एक स्टेट बनाते हैं, तो तहसील तालुका मिलकर के स्टेट बनाते हैं, तो पी के बाद आर लगेगा। ठीक है, आर के बाद क्यू लग गया था, ये भी बात पक्की हो गई। क्यू के बाद हमें क्या लगाना है कि दीज टुगेदर विद ऑल द स्टेट्स, दीज किसके लिए लगा है, यूनियन टेरिटरीज के लिए लगा है दीज, तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं सारे स्टेट्स के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, इंडिया बनाते हैं, और इंडिया इज हमारा होमलैंड। ठीक है, समझ में, हमारी अंग्रेजी भी सुना, इंडिया इज हमारा होमलैंड, क्या बात है, कभी कभी ऐसे मुंह से निकल जाता है। ठीक है, इंडिया इज हमारा होमलैंड, अब हम केवल इसी की हिंदी बोल दिए, बाकी सब कुछ तो अंग्रेजी में था। ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं, अब जबान थोड़े ना काट के रख देंगे, निकल गया मुंह से तो निकल गया। ठीक, वैसे भी मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बात समझ में आ गया क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले विलेज एंड टाउन, विलेज एंड टाउन के बाद क्या लगेगा, तहसील तालुका, तो मतलब हम पीछे शुरू करें, तहसील तालुका से क्या बना, स्टेट बना, तो उसके बाद आर लगाएं, आर के पैरेलल में यूनियन टेरिटरीज है तो क्यू लगाया, उसके बाद इन सबसे मिलकर के इंडिया बना तो एस लगाया, पी आर क्यू एस, जहाँ मिले पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ये रहा आपका। ठीक है ना, हो गया क्लियर, कोई डाउट शायद नहीं, आगे बढ़ो। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट में, कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड, एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, दिया है वन हु इज इंडिफरेंट ऑफ प्लेजर एंड पेन, कोई ऐसा व्यक्ति जो प्लेजर और पेन से एकदम से इंडिफरेंट होता है, जिसको दर्द हो तो और खुशी हो तो, दुख हो तो, सुख हो तो, एक जैसा रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो भगवान राम को, ठीक है, राज तिलक होने जा रहा है, राजा बन रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, और वनवास जाना हुआ तो भी उतनी ही खुशी से जा रहे हैं, या लॉर्ड बुद्धा को ले लो, बल सुख में तो दुखी थे बेचारे, लेकिन जब जंगल छोड़ के जंगल चले गए तो बल्कि खुश हो गए वो। ठीक, तो इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्लेजर और पेन से एकदम से इंडिफरेंट होते हैं, दे ट्रीट अलाइक विद हैप्पीनेस एंड जॉय एंड सारो एंड ग्रीफ ऑल टुगेदर, वो इन सब चीज़ों को एक जैसा ट्रीट करते हैं, ना खुशी में खुश ना दुख में दुखी, कोई बात नहीं, सब एक जैसा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, स्टोइक कहा जाता है। ठीक है, एसेटिक क्या होता है, चलो चारों ऑप्शन की मीनिंग बता देते हैं। एसेटिक का मतलब होता है साधु सन्यासी तपस्वी, हर्मिट हो गया, फ्रायर हो गया, रेक्लूज हो गया, एसेटिक हो गया, ये सब हो गए। अच्छा, आइसोटेरिक का मतलब क्या होता है, आइसोटेरिक मतलब होता है ना बहुत विनय, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विनम्रता होती है उसको कहते हैं। स्टोइक का मतलब क्या होता है, सुख दुख में संभाव, एक जैसा रहने वाला। सेप्टिकल होता है जिसमें संशय बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या था हमारा, स्टोइक था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में है, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम ए स्कूल विदाउट परमिशन, मतलब ऐसे बच्चे जो घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल पहुंचते नहीं हैं, स्कूल के बाहर रहते हैं, लौटे घर स्कूल के टाइम पे पहुंचते हैं, मतलब क्या करते हैं ये लोग, ये करते हैं बंक, BUNK, बंक मारना होता है, स्कूल से गायब रहते हैं। तो चलो देखो कौन सा वर्ड है इस तरह का। एक है पेडांट, पेडांट का मतलब क्या होता है, अपने ज्ञान का दिखावा करने वाला। सप्लीएंट, एक बार फिर वही हो गया, विनम्रतापूर्वक विनय टाइप का आदमी होता है। मैंडिकेंट कौन होता है, मैंडिकेंट भिखारी होता है, मतलब यू कैन से बेगर, ठीक है, ये बेगर हो गया। और दूसरा वर्ड ले लो ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट यही है, ट्रॉन्ट का मतलब जो स्कूल से भागता है, जो स्कूल में बंक मारता है। बंक मारना तो समझ ही रहे होगे ना, अंग्रेजी का वर्ड है बंक मारना, ठीक। तो जो स्टेटमेंट है वो बंक मारने वाले के लिए है, और इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है ट्रॉन्ट, ठीक। ये सब पर्सनालिटी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, समझ में आया। और हमने पर्सनालिटी ट्रेट्स पर दो वीडियोज़ डाल रखे हैं, शुरुआत की ही बात है, तो वो पर्सनालिटी अगर आप जानना चाहते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 9 और आपका क्वेश्चन नंबर 10 दोनों पर्सनालिटी ट्रेट्स पर था, तो अगर इन दोनों को और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं और या जितने भी पर्सनालिटी से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो जानना चाहते हैं, तो आप हमारा वो वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने पर्सनालिटीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। करीब 70-80 पर्सनालिटी ट्रेट्स को हमने डिस्कस किया है, और वो दो वीडियो हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। जिनको ज़रूरत हो, इंटरेस्ट हो, वो देख लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आगे आ जाओ। अगला लिखा है 11 में क्या कह रहे हैं कि ये आपको अपोजिट बताना है। तो पैनिक ही रिलेटेड है कि इसे डर से रिलेटेड है, फियर होता है पैनिक ही, एक्चुअली पैनिक से बना हुआ वर्ड है ये, तो डर है या फियर है, और डर या फियर में जो भगदड़ मच जाती है लोगों के अंदर, वही वाली चीज़ है ये, ठीक। अपोजिट देखो, कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट इसका नहीं होगा, सोबर नहीं होगा, क्वाइट नहीं होगा, एक्चुअली इसका क्या होगा, काम या एकदम से शांत। पैनिकी का क्या होगा, काम, जो जिसका मतलब क्या होते हैं, जो एकदम से भगदड़ भगदड़ से घबराता नहीं है या डरता वरता नहीं है, एकदम शांत रहता है, उसी के लिए ये वर्ड आएगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकता, तो ये कॉन्फिडेंट नहीं है, एक्चुअली पैनिकी का जो अपोजिट होगा वो कॉन्फिडेंट नहीं, काम होगा, ठीक। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, तो मायोपिक, मायोपिक का मतलब क्या होता है, ठीक, मायोपिक का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, जब लेंस पढ़ा होगा तब, तो मायोपिक का मतलब होता है नियर साइटेड, ठीक। मीनिंग क्या होती है, नियर साइटेड मतलब क्या हुआ, नज़दीक की चीज़ दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फार साइटेड, दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, नज़दीक की ना दिखाई देती हैं तब। और फार साइटेड का मतलब क्या होता है, ये वाला फार साइटेड और नीचे वाले फार साइटेड में क्या अंतर होता है, कोई आप बता सकता है, किसी में है दम, बताओ। FORE, फोर साइटेड का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, पहले से ही, जैसे साल दो साल बाद क्या होने वाला है उसको हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, दूरदृष्टि जिसको कहते हैं, बड़े दूरदर्शी थे, बाद की चीज़ें समझ जाते, तो वो फोर साइटेड हो जाता है। और ये फार लिखा हुआ FAR, ये फार का मतलब क्या हो गया, दूर के लिए होता है, डिस्टेंस है ये दूर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और ये फॉर क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, ठीक। जो काम दो साल बाद होने वाला है उसको पहले से देख लिया तो ये फोर साइटेड, और जो एक किलोमीटर दूर देख लेता है वो फार साइटेड, ठीक है, अंतर समझ जाना, नहीं तो फोर साइटेड फार साइटेड को एक समझोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। अगला है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन जिसको आप कहते हो मैनिया, किसी चीज़ से एक्सेसिव लगाव या अनसप्रेसिबल डिज़ायर होती है किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। तो अनसप्रेसिबल डिज़ायर होगी तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, मीनिंग प्रीऑक्यूपेशन, मतलब हम अपने मन में पहले से ही कोई चीज़ बैठा के रखे हैं, ऑब्सेशन इसी को कहते हैं। जैसे किसी के बारे में हमारी ये पहले से धारणा बन जाए कि अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा, और हमारे दिमाग में ये पहले से ही है, तो हम उसको जब भी इवेलुएट करेंगे तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक। तो ऑब्सेशन का मतलब प्री ऑक्यूपेशन, सस्पेशन डाउट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन निराशा हो जाएगी, डिजेक्शन निराशा हो जाएगा, ये लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला वर्ड आ जाओ अपना क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डायलेट करना, डायलेट का मतलब क्या हो जाता है बच्चा, डायलेट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को वाइड कर देना, जैसे मान लो कोई चीज़ इतनी है, इसके बाद इसको हम ऐसे फैला देते हैं तो क्या हो जाता है, ये वाइड हो गया, चौड़ा कर देना, तो ठीक है, इसी को होता है डायलेट करना, तो इसका जो साइनोनियम होगा वो क्या होगा, वाइडन हो जाता है, ठीक है। स्पिन का मतलब क्या होता है, गोल गोल घुमाना, इसको चरखी की तरह घुमाना होता है, वीकेंड कमज़ोर करना होता है, ठीक, आगे आ जाओ।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। तो मतलब अगर डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो, आपको एक दूसरे में बदलना है। स्टेटमेंट डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में बदल दो, और इनडायरेक्ट में होगा तो डायरेक्ट में बदल दो। देखो क्वेश्चन कैसा है। द प्लेयर्स रिपोर्टेड दैट स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग व्हाइल दे वर प्लेइंग। ठीक है, चुनी की पैरेलल काम चल रहे हैं ना यहाँ पर। यहाँ वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और आप लोगों ने एक्टिव सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये पढ़ रखा है, मैंने भी पढ़ाया है कि जहाँ पर वाज वर्ब होता है वहाँ क्या बन जाता है, हैड बीन हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है। अगर दो काम पैरेलल चल रहे हैं, ये काम ये चल रहा है, इसी पैरेलल ये चल रहा है, दोनों के दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो फिर आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे। जब आगे पीछे होता है तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। जब एक साथ चल रहे हैं और दोनों काम, तो दोनों के दोनों वर्ब में ही रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो वर्ब लगा हुआ है, इसमें जो वर्ब लगा हुआ है, चूँकि ये डायरेक्ट है ना, तो ऐसे ही रहेगा। इसमें आर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, बात बताई गई है। ठीक, अब आ जाओ। द स्पेक्टेटर्स हैव बीन तो लगेगा नहीं, वर्क की जगह हैव बीन नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है द स्पेक्टेटर्स चीयर्ड, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, ये भी नहीं हो सकता, हमें वर चाहिए। द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग, ठीक है। वी वर प्लेइंग, ये ठीक है। तो ये सी वाला सही होगा, क्लियर हो गया। ये प्लेड वाला गलत हो जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, और आपका आंसर क्या हो गया, सी वाला। आप कहेंगे वर का आर नहीं बदला, भाई वो बदलना नहीं था इसलिए नहीं बदला, क्योंकि पास्ट की घटना के बारे में वो बता रहा है, दो काम पैरेलल चल रहा है, प्रेजेंट में नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आ जाओ, आ जाओ 16 में। तो 16 में क्या होगा, सी रिक्वेस्टेड द बॉयज टू लिसन टू व्हाट शी वाज सेइंग। सी रिक्वेस्टेड, अभी रिक्वेस्टेड लगा है तो प्लीज वगैरह आएगा उसमें, और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ प्लीज के बाद ये टू हटेगा, टू के बाद यहाँ इन्वर्टेड कामा, टू हटा के इन्वर्टेड कामा लगेगा, उसके बाद प्लीज वगैरह लगा, लिसन टू व्हाट सी की जगह क्या हो जाएगा, आई, और वाज की जगह क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जब हम डायरेक्ट में बदलेंगे तो। ऐसे सी सेड टू द बॉयज, प्लीज लगा है, ठीक है, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, ये पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला क्यों नहीं होगा, तो लिखा है लिसन टू, इसमें प्लीज लगा नहीं है, प्लीज नहीं लगने के नाते इसमें रिक्वेस्ट की फीलिंग नहीं आ रही है। सी सेड बॉयज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई वाज सेइंग, ये वाज नहीं होगा ना, वाज का एम हो जाएगा, नहीं तो ये हैड बीन हो जाता, ये भी गलत है। ठीक है, अगला देखो, लिखा है सी सेड आई रिक्वेस्टेड यू, अरे आई रिक्वेस्टेड यू नहीं होगा, इसमें प्लीज लगाने की जरूरत थी। एक सबसे आसान सा काम मिला हमको, यहाँ सी रिक्वेस्टेड है तो यहाँ पे प्लीज लगना चाहिए था, मेन बात ये हो गई, आपका ए वाला आंसर करेक्ट होगा। आगे आ जाओ, अब ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में कह क्या रहे हैं, देखो क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव वाइज का। ठीक, आराम से समझ में आ ही गया होगा कि हमें करना क्या है। आ जाओ सीधे स्टेटमेंट पर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा पर डिफ़िकल्ट नहीं है, परेशान मत होना कि अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, नो, बड़ा होने से कोई मतलब नहीं होता। आगे देखो, आगे स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इज लाइक्ड, इज के साथ लाइक्ड लिखा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के में एक्टिव में होगा ये। ठीक, इज के साथ लाइक्ड लिखा है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में होगा। बाय के बाद ये लिखा है नाइदर द सेंट्रल नॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो नाइदर द सेंट्रल नॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स ये क्या हो गए, हमारे सब्जेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ बाय लगा हुआ है। तो इसको नाइदर द सेंट्रल नॉर द स्टेट गवर्नमेंट को आप पहले कर लो, बाद में क्या कर दो, लाइक की प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा दो, उसके बाद स्ट्रांग एंटी करप्शन ला ये बाद में लगा दो, हो गया काम। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। नाइदर द सेंट्रल नॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक्स, देखो यहाँ गवर्नमेंट्स प्लूरल लिखा हुआ है, लाइक्स सिंगुलर नहीं होगा, ये गलत हो गया। और नाइदर नॉर जब लगा होता है तो हमेशा हम वर्ब को क्या करते हैं, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा है नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक, लाइक क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये गवर्नमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ कम्बिनेशन ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर। दूसरा लिखा है कि नाइदर द सेंट्रल नॉर द गवर्नमेंट लाइक्ड, लाइक्ड पास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे वाज आ जाता, ये फिर गलत हो गया। और इसमें क्या लिखा है, आर लाइकिंग का कोई लेना देना नहीं, आपका एक ही आंसर सही है भैया, बी वाला, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आई ना, क्यों। अब आ जाओ 18 नंबर पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक्टिव पैसिव में ही है। तो देखो पहले है किस में, इज बीइंग क्रिएटेड, जब आपको मिल जाता है इज बीइंग क्रिएटेड का मतलब क्या हुआ कि इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी, क्या होगी, इज एम आर के साथ वर्ब की
आईएनजी फॉर्म लगी होगी, ठीक। चलो ढूंढो किस में लगी है। अब आर तो नहीं लगा है, इसके लिए हमें यह देखना होगा कि कौन फैला, कौन कर रहा है इसमें, बाय द गवर्नमेंट। सब्जेक्ट कौन है लिखा है ना, बाय द गवर्नमेंट। बाय द गवर्नमेंट मतलब अब इज लगाना है, ठीक है। द बाय द गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट होगा, द गवर्नमेंट इज लगा है, इसके बाद क्रिएटिंग लगा है एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, एकदम करेक्ट हो गया। ये जो गलत है उसमें देख लो, ये आर के साथ क्रिएटिंग, गवर्नमेंट के साथ आर नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। ये गवर्नमेंट वाज क्रिएटिंग, वार नहीं है। जब यहाँ इज बीइंग क्रिएटेड लिखा होगा तो वाज का कोई मतलब ही नहीं होता, और यहाँ केवल क्रिएटेड लगाओगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई तो ये गलत होगा, यहाँ वाज भर आ जाता, ठीक है। तो बी वाला, सी वाला, डी वाला सबके सब गलत हैं, केवल ए वाला आपका आंसर होगा, ठीक। आई थिंक कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा देर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका फिलर का, और ये डबल फिलर का मामला है। सीधे आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो फिलर नंबर वन, फिलर नंबर टू, आपको दो दो फिलर दिए हुए हैं। मैंने कहा था कि रिलेशन देखना दोनों सेंटेंस में कैसा है, उसके बाद आपको फिलर भरना होगा। क्वेश्चन देने देखो, ऑन अकाउंट ऑफ द डैश, ऑन अकाउंट ऑफ द डैश, आगे लिखा है इन सेल्स। अब सेल्स में क्या चीज़ है, अगर देखो सेल्स में कोई चीज़ बढ़ेगी, ठीक, सॉफ्टवेयर फर्म है, अगर सेल बढ़ेगी, याद रखना सेल अगर बढ़ती है तो उसका जो फ़ायदा है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर सेल घटती है तो फ़ायदा भी घटेगा, मैथ वाला फार्मूला लगा है इसमें। तो ऑन अकाउंट ऑफ द डैश इन सेल्स, द सॉफ्टवेयर फर्म हैव अचीव्ड 8% डैश इन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में अब उसको घाटा लगा फ़ायदा लगा, देखना होगा कि दोनों चीज़ें बढ़ेंगी या दोनों चीज़ें घटेंगी। इंक्रीज है तो राइज होगा, अगर सेल में इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट में राइज होगा, ठीक है, हो गया। यहाँ लिखा सर्ज, इंक्रीज हो ना फॉल, उल्टा हो गया, ये नहीं हो सकता। अगर सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट घटेगा नहीं, अब डिक्लाइन, अगर सेल डिक्लाइन होगी तो प्रॉफिट स्लोप में नहीं आएगा, ये भी गलत है। हाइक मतलब सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट में लॉस होगा, ये नहीं होगा, फिर तीनों नहीं होंगे, केवल आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट में राइज आएगा, ठीक। 19 हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, पहला फिलर है डैश टू, तो ऐसा ऑप्शन लगाना है जिसके बाद हमें टू लगा सकते हैं हम। योर एरर, डैश टू योर एरर, तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारी गलती के अनुसार डैश कंसाइनमेंट हैज बीन डिलेड बाई अ वीक, तो एक सप्ताह की देरी हुई है, मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारी मिस्टेक है, दोनों निगेटिव है ना, कारण परिणाम है, तो डैश टू योर एरर, कंसाइनमेंट हैज बीन डिलेड बाई अ वीक, तुम्हारी गलती की वजह से कंसाइनमेंट एक सप्ताह लेट हुआ, कारण परिणाम होगा तो क्या होगा, ओइंग टू, क्या होगा, ओइंग टू, क्योंकि यही अब कारण के लिए यही लगा सकते हो ना, ये है आपका रीजन, कारण है, कारण के लिए या तो ड्यू टू लगता या तो ओइंग टू लगता, अकॉर्डिंग टू लगेगा नहीं, ड्यूली टू लगेगा नहीं, एडेड टू लगेगा नहीं, दो ही ऑप्शन है, ओइंग टू या ड्यू टू, तो यही वाला लगेगा। और इंटायर कंसाइनमेंट, पूरा का पूरा कंसाइनमेंट लेट हो गया, ये वाली बात हो गई। अब आ जाओ 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज पे क्वेश्चन आंसर है, और पैसेज बड़ा आसान सा है। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसा कि मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमें क्वेश्चन पहले पढ़ना होता है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अकॉर्डिंग द एम्प्लॉयज इन आवर कंट्री डैश डैश डैश, हमारे कंट्री में जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे हैं, एम्प्लॉयज पंक्चुअल हार्ड वर्किंग है या सर्कस हैं या गुड नेचर्ड हैं या फिर हाईली एजुकेटेड हैं, पैसेज में इसका आंसर मिलेगा, छोड़ो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लीडरशिप है वो क्या है, फाइन एग्जांपल हमारे सामने रखती है, रीजनेबल हाई स्टैंडर्ड रखती है या रिस्पांसिबल है या फिर नॉट सेट फाइन एग्जांपल, क्या है, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 23 में असाइन, ये असेसमेंट है, इसकी मीनिंग बताना है जो कंटेक्स्ट में है, तो यहाँ पैराग्राफ में असेसमेंट की क्या मीनिंग दी है वो आपको बताना पड़ेगा। और कंसर्न अबाउट, यहाँ भी इसकी मीनिंग बतानी है जैसा कि पैराग्राफ में यूज किया होगा। आगे देखो 25 में क्या कह रहे हैं, आथर क्या सजेस्ट करता है, यहाँ पर आथर का सजेशन बताना है, कुछ नीचे मिल जाएगा, ठीक। आ जाओ पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और फटाफट हमें आंसर मिल जाएगा। ये है हमारा पैराग्राफ, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लिखा है व्हाट नीड टू बी सेट राइट,
क्या चीज़ ठीक किए जाने की ज़रूरत है वो है और अप्रोच टू वर्क, यही हमको राइटर बता रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यही हुआ कि हमें काम के प्रति अपनी अप्रोच को ठीक करना पड़ेगा। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन यही दिया था ना कि राइटर हमें क्या कहना चाहता है, क्या सजेस्ट करना चाहता है। तो राइटर जो सजेस्ट करना चाहता है पहली ही लाइन में उसने बता दिया व्हाट नीड टू बी सेट राइट इज आवर अप्रोच टू वर्क, तो ये होगा आवर अप्रोच टू वर्क, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, राइटर का सजेशन यही है। आगे है इट इज़ अ कॉमन साइट इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो सामान एक सामान्य सा दृश्य है देखने को मिलता है कि एम्प्लॉय रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑन टाइम, एम्प्लॉयज अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट तो एकदम टाइम पर करते हैं, मतलब आते बहुत टाइम पर हैं सब लोग, एट द सेम टाइम डूइंग लिटिल वर्क, लेकिन काम बहुत कम करते हैं, मतलब ना के बराबर आएंगे टाइम पर जाएंगे टाइम से लेकिन काम कद्दू के बराबर होगा। इफ़ एन असेसमेंट इज मेड, तो असेसमेंट की मीनिंग पूछा है, अगर इनके काम का मूल्यांकन किया जाता है तो ठीक है ना, इनके टाइम और दे स्पेंड इन द गॉसिपिंग, जितना समय वो गॉसिप करने में गप मारने में ड्रिंकिंग टी और ईटिंग पान और स्मोकिंग सिगरेट, जितना टाइम ये लोग इस काम में बर्बाद करते हैं उतना, इट विल बी शॉकिंग टू नो दैट टाइम डिवोटेड टू एक्चुअल वर्क इज नेग्लिजिबल, तो जितना काम आप गप मारने में पान खाने में बीड़ी पीने में सिगरेट पीने में चाय पीने में बर्बाद करते हैं उसके रेशियो में जो काम के लिए आप टाइम देते हैं वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक समझ में आ गई बात, आगे बढ़ो। द प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड, क्या है समस्या है, द स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड विच द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन सेट अप फॉर द स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लीडरशिप है वो स्टाफ के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड दिखाता है, आगे दिखा रहे हैं कि फॉरगेट द मिनिस्टर्स, मंत्रियों को छोड़ो, बिकॉज दे मिक्स पॉलिटिक्स विद एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी बात छोड़ो उनको अलग रखो किनारा रखो मंत्रियों से कुछ नहीं। आगे कह रहे हैं व्हाट डू टॉप ब्यूरोक्रेट्स डू, हमारे जो टॉप के ब्यूरोक्रेट होते हैं आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, व्हाट डू द ऑफिशियल्स डाउन बिलो डू, उनके नीचे के अधिकारी क्या करते हैं, क्या स्टैंडर्ड हमारे सामने पेश करते हैं। आगे कह रहे हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिमेन वीक, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वही कमज़ोर पड़ा हुआ है, मेनली बिकॉज क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज़ डू नॉट हैव द राइट एग्जाम्पल टू फॉलो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के सामने कोई अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं है फॉलो करने को, और दूसरी बात आर मोर कंसर्न अबाउट बीइंग इन गुड बुक्स, और जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनकी ज़्यादा चिंता किस बात की होती है, बीइंग इन गुड बुक्स ऑफ द बॉस इज देन डूइंग वर्क, काम करने से अच्छा उनकी चमचागिरी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा पसंद आता है उनको, क्योंकि प्रमोशन उनकी चमचागिरी में है काम करने में थोड़े हैं। तो ये है हमारी वर्क कल्चर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आंसर करो अपने, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑथर राइटर इन आवर कंट्री, मतलब एम्प्लॉयज इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे हैं, क्वाइट पंक्चुअल, बिल्कुल नहीं पंक्चुअल तो ठीक था, हार्ड वर्किंग वाला पोर्शन गलत हो गया। जनरली सर्कर्स, सर्कर्स मतलब कामचोर हैं, ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने। समटाइम्स लेजी बट गुड नेचर्ड, ये भी बिल्कुल नहीं है। नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड, एजुकेशन की बात नहीं हुई, लेजी वेजी की बात नहीं हुई थी, खाली बात हुई थी कामचोरी की, कभी पान खाते कभी ये करते कभी वो करते टाइम वेस्ट किया करते, इसको कहते हैं कामचोरी, आंसर होगा बी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहे हैं 22 में, द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लीडरशिप है वो सेट्स अ फाइन एग्जाम्पल, बिल्कुल नहीं। इज ऑफ रीजनेबल हाई स्टैंडर्ड, नहीं स्टैंडर्ड का नहीं है। इज हाईली रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशियंट, ये भी नहीं है। डज नॉट सेट फाइन एग्जाम्पल टू द एम्प्लॉयज, बिल्कुल सही, ये एम्प्लॉयज़ के सामने अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं रखते क्योंकि ये खुद कामचोर हैं। ठीक आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, असेसमेंट की मीनिंग क्या होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट इवेल्युएशन समरी, मैंने कहा था अगर इनके काम के घंटों का इवेल्युएशन किया जाए तो मूल्यांकन किया जाए तो असेसमेंट इवेल्युएशन होगा। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, कंसर्न अबाउट, लास्ट में था ना कि दे आर मोर कंसर्न अबाउट बीइंग इन गुड बुक्स ऑफ देयर बॉसेस, वो अपने बॉस के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, उनकी गुड बुक्स में रहने का मतलब याद है आप लोगों की एक मुहावरा होता है तो टू बी इन बैड बुक और टू बी इन गुड बुक, इसका मतलब क्या हुआ कि टू बी इन गुड बुक्स का मतलब हुआ उनसे उनके टर्म्स अच्छे बने रहें, तो चमचागिरी करने में लगे रहते हैं तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होता है, चमचागिरी में, तो इंटरेस्टेड होगा यहाँ पे मीनिंग। अगला आ जाओ 24-25 पे, राइटर क्या सजेस्ट करना चाहता है बताओ, राइटर सजेस्ट करता कहता है कि देश में किसकी ज़रूरत है, नीड फॉर टोटल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ये नहीं बोला था उन्होंने, और रेडिकल सोशल चेंज भी नहीं कहा था उन्होंने, इम्पार्टिंग मॉरल एजुकेशन भी नहीं कहा था उन्होंने, कहा था कि चेंज इन द
आवर एटीट्यूड टू वर्क, ये पहला पैराग्राफ की पहली लाइन थी कि वो सजेस्ट कर रहा है व्हाट इज व्हाट डज वी नीड टू चेंज इज आवर एटीट्यूड अबाउट आवर वर्क। तो हमारा काम के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, नजरिया है, वो हमको बदलना पड़ेगा। यही डी वाला है, मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है ना, पैसेज पढ़ते समय कि हमारा आंसर है 25वें का। ठीक, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस किसके, एसएससी के सेट 9 के। ठीक है, हमने एसएससी के 8 सेट कर लिए हैं और ये था एसएससी का मॉक टेस्ट 9, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए। आप लोगों के क्वेश्चन सही थे, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर शर्म लगे तो ना बताइएगा, कोई बात नहीं, कैसे भी मैसेज कर दीजिएगा, वैसे इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं होती भाई। जब तक आप इन फीलिंग्स से बाहर नहीं उभरेंगे तब तक सिलेक्शन से दूर रहेंगे। हटाओ इन सब फीलिंग्स को, अच्छा बुरा फीलिंग बेइज्जती बेइज्जती, सिलेक्शन जब होगा ना तो सारी बेइज्जती ख़त्म हो जाएगी। बात समझ में आई, तो ऑनेस्टली हमको बता दिया करो कितने क्वेश्चन कर पाए हो, कितने नहीं कर पाए हो, कितने गलत हो गए, कितने सही थे, कितने अटेम्प्ट किए थे। ठीक, और कैसा लगा सेशन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।